जब इस मूवी का ट्रेलर आया था, सच में मेरा कोई इरादा नहीं था इस मूवी को देखने का, क्योंकि ट्रेलर मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा द व्हाइट टाइगर मूवी के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। ये द व्हाइट टाइगर एक बुक थी, जो 2008 में एक अवार्ड मिला था, फेमस बुक थी, उसी के अडेप्टेशन है ये मूवी। अब देखो यार, मैंने वो बुक तो पढ़ी है नहीं, तो मैं ये कंपेयर कर नहीं सकता कि बुक ज्यादा अच्छी थी या फिर ये मूवी ज्यादा अच्छी है। वैसे मैं बुक पढ़ने को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। चलिए अब इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर कास्ट है राजकुमार राव, प्रियंका चोपड़ा, आदर्श गौरव और भी बाकी अन्य कलाकार। अब इसकी कहानी के बारे में बात करूं तो एक गाँव होता है जिसका नाम होता है लक्ष्मणगढ़। उस लक्ष्मणगढ़ में बहुत पिछड़े हुए लोग रह रहे हैं। वहां पर एक जमींदार का शासन होता है, मतलब शासन कहूँ या फिर वो जमींदार उनके लोगों के ऊपर राज करता है, अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखता है। उनकी जो तनख्वाह होती है, तनख्वाह या जो इनकी कमाई होती है, उसका एक तिहाई हिस्सा वो जमींदार लेके चला जाता है। तो उसी गांव में एक बलराम हलवाई नाम से एक लड़का होता है। बचपन से वो इस जमींदार को अपने लोगों के ऊपर होते हुए अत्याचार को देखता आ रहा था। इसी को देखते देखते बड़ा हुआ, और जब वो बड़ा होता है तो वो देखता है कि वो उसी जो जमींदार है, उस जमींदार का एक बेटा है अशोक, उसका अशोक, जैसे वो अशोक को देखता है तो उसको लगता है कि हाँ यार, मुझे मेरा मालिक मिल गया, मैं बस इसी के लिए पैदा हूं कि मैं अपने मालिक की सेवा कर। अब देखो यार, ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई ताकि आप लोग इस चीज को समझ पाओ कि बचपन से एक इंसान को ऐसी मानसिकता के अंदर मतलब बड़ा किया जाए, जहां पर उसे सिर्फ ये सिखाया जाए कि सिर्फ और सिर्फ वो दुख सहने के लिए पैदा हुआ है या फिर गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है, तो वो इस मानसिकता से निकलने के लिए उसे कितना ज्यादा टाइम लग जाता है। इवन अगर उसको कोई ये भी कहे कि तू आजाद है, तब भी वो अपने आप को कभी भी ये नहीं समझेगा कि वो आजाद हो चुका है, उसको जाने को तो वो जाएगा नहीं। उसको बस यही लगता है कि उसका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम बन सके, अपने मालिक की सेवा कर सके। चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। जब बलराम बड़ा होता है तो ये अशोक का ड्राइवर बनता है। अब बलराम के साथ बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, उसको इतनी तरीके से जलील किया जाता है कि ये इस सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ यही करने के लिए पैदा हुआ है, क्या कभी ये इस दलदल से बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। बलराम को जैसे दिखाया गया है कि वो ना तो अपनी मर्जी से हंस सकता, ना ही वो बोल सकता, ना ही वो सर उठा सकता। उसके अंदर धीरे धीरे इतना जहर घुल गया है कि वो गरीबी से बाहर निकलने के लिए हर हद तक को जाने को तैयार है। और उसका गुस्सा तब फूटता है जब वो देखता है कि उसके मालिक उसको रिप्लेस कर रहा है, तब वो कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन ये जो करता है, क्या वो सही ठहराया जा सकता है? बलराम की नजरों में वो गुलामी की कीमत कहता है इस जुर्म को। अपनी गरीबी से इंसान कैसे निकल सकते हैं? क्या कोई गलत काम कर कर या मेहनत के द्वारा? मेरे हिसाब से मेहनत ज्यादा सही तरीका है। हाँ, टाइम लग जाता है, लेकिन उसे सुकून की नींद आती है। अब मैं ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग इस मूवी से इंस्पायर ना हो जाओ, कहीं इस तरीके की चीजें करने लग जाओ। मूवी बहुत ज्यादा डार्क और बहुत ज्यादा डिप्रेस है। बलराम ने जो कुछ भी किया अपने रिप्लेसमेंट की बात सुनकर, एक्चुअल में ना तो वो ये जानता था कि सच में क्या उसे रिप्लेस किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को अपने मालिक के साथ बात करते हुए पाता है और वो अपनी सारी हदें पार कर देता है ये सोचकर कि हाँ, उसे रिप्लेस किया जा रहा है। मूवी की अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें जो इंटरेस्ट है वो स्टार्टिंग में अच्छा बन जाता है, लेकिन मूवी ज्यादा लेंथी होने के कारण कहीं ना कहीं ये हमें बोर करने लग जाती है, क्योंकि एक ज्यादातर इसमें जो है वो बलराम का ही साइड दिखाया गया कि वो कैसे उसके साथ बिहेव किया जा रहा है, उसका बिहेवियर में कैसे चेंज होता जा रहा है। लेकिन एक लिमिट आती है कि हमें लगता है कि यार हाँ, बहुत ज्यादा इसकी साइड दिखा दी गई है, अब बस ये बता दो कि अब ये करने क्या वाला होता है। मतलब हम चाहते हैं कि बस तुरंत अब अंत दिखाओ इस चीज का। मूवी की एक और कमी मुझे ये लगी कि ये जब मूवी खत्म होती है तब हमारे दिमाग में बस एक बात आती है कि इसका मतलब क्या था, क्यों बनाई ये चीज। क्योंकि जब मूवी खत्म हो जाती है तो हमें इसकी कोई भी चीज हमें याद नहीं रहती, इवन इसका कोई किरदार हमारे दिमाग में छपता नहीं है, क्योंकि वो इतने स्ट्रोंग नहीं है। मूवी इतनी डिप्रेस और डार्क होने के बावजूद भी हमारे दिमाग पे बिल्कुल भी असर नहीं डालती है। इस मूवी में परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। स्टार्टिंग इस मूवी की काफी अच्छी थी, इंटरेस्ट बनता है, एक कहानी सुनने को मिलती है, उसको एक अलग से हमें देखने को मिलता है कि हाँ, एक नई कहानी है। लेकिन लास्ट में मैं कहूंगा कि यार हाँ, बहुत ज्यादा लेंथी होने के कारण ये मूवी कहीं ना कहीं हमें बोर करने लग जाती है। फिर भी मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6 out of 10 सर। अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और अगर जिन्होंने नहीं देखी तो मैं यही कहूंगा कि यार हाँ, अगर आप
ऐसी मूवी देखना चाहती हूँ कि एक इंसान डिप्रेस और बहुत ज्यादा यही फील करने लग जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वो गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है, तो वो किस हद तक जाता है। इस मूवी में आप थोड़ा बहुत धर्म का भी मतलब साइड देखने को मिलेगा, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, जात पात बेशक आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगी, और ऊपर से इसके ऊपर सोने पर सुहागे वाली बात, गरीबी से मरते हुए लोग इसके अंदर दिखाए गए, जो इस मूवी को और ज्यादा डार्क बनाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।